सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। डिजिटल थर्मामीटर, इसको यूज कैसे करते हैं और कितनी रीडिंग नॉर्मल होती है और कितनी रीडिंग पर आपको बुखार होता है, इसकी जो रीडिंग है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कैसे लेके जानी है या फिर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस कैसे लेके आनी है, यूज़ करने के बाद कैसे धोना है ताकि आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस 0% हों, साथ ही इसका जो सेल है वो आपने कैसे चेंज करना है, ये सब बातें इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। तो वेलकम बैक गाइज, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट सनी कुमार और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे फुल्ली डिटेल में डिजिटल थर्मामीटर के बारे में। और एक्चुअली गाइस, डिजिटल थर्मामीटर मर्करी थर्मामीटर के मुकाबले में काफ़ी इजी होते हैं रीड करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर आपको डिजिटल रीडिंग मिल जाती है, आपने बस रीड ही करना है, साथ ही इनका जो टूटने का खतरा है वो बिल्कुल नहीं होता, तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। मर्करी थर्मामीटर अगर आप मुंह में लेते हैं तो जो उसके अंदर का पारा होता है जो कि एक तरह का पॉइजन होता है, तो उसका काफ़ी रिस्क रहता है कि वो मुंह में ना टूट जाए। इन द केस ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के जो केस में मर्करी थर्मामीटर का काफ़ी ख़तरा रहता है, क्योंकि बच्चे शरारती भी होते हैं और मुँह में अगर वो टूट जाए तो काफ़ी नुकसान पहुँचता है। तो आप बच्चों में स्पेशली डिजिटल थर्मामीटर को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में मैं इसके यूजेस के बारे में बताऊंगा, इसके बेनिफिट के बारे में बताऊंगा। और गाइज, आज के समय में सभी डिजिटल थर्मामीटर को यूज़ करना जानते हैं कि टेम्परेचर को मुंह से लेना है या फिर एक्जिला से, मतलब कि अंडर आर्म से लेना है, लेकिन गाइज ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सेम मेथड को सारी जगह अप्लाई नहीं कर सकते। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको डिजिटल थर्मामीटर को मुंह में लगाना ही नहीं आता, उन्हें पता ही नहीं होता कि जीभ के नीचे थर्मामीटर को कैसे लगाना है। सेम ऐसे ही अगर एडल्ट का हम लें एग्जांपल, तो जो बड़े हैं अगर उनको बाय चांस शिवरिंग हो रही हो, मतलब कि सर्दी लग रही हो, शिवरिंग होने के बाद फीवर आता है ऑफकोर्स, तो अगर शिवरिंग हो रही है तो आप ओरल टेम्परेचर कैसे ले लेंगे, साथ ही एक्जिला से टेम्परेचर कैसे ले लेंगे, जब पूरा शरीर ही कांप रहा हो, सर्दी लग रही होती है तो शरीर कांपता है ना, तो आप उस समय कैसे टेम्परेचर ले लेंगे, तो काफ़ी मुश्किल होता है टेम्परेचर लेना। और जो छोटे बच्चे होते हैं वो एक्जिला में थर्मामीटर को लगा नहीं पाते या थर्मामीटर को हिला भी देते हैं तो एक एग्जैक्ट रीडिंग नहीं मिलती। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इस थर्मामीटर को कैसे अलग अलग शरीर के भागों से और कौन सा मेथड किस केस में आपने अप्लाई करना है। तो गाइस, ये सब बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि अगर बाय चांस इसको आपने लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करके रखना है तो आप इसको कैसे रखें ताकि ये जल्दी से ख़राब ना हो। एक्चुअली गाइस, अगर इसको ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं करते ना तो इसके अंदर जंग लग जाता है जिसके कारण ये ख़राब हो जाता है, या फिर बाय चांस इसको धोते टाइम भी पानी अंदर चला जाता है तब भी ये ख़राब हो जाते हैं, तो आपने इसको कैसे ठीक करना है, या फिर इसकी कई बारी रीडिंग जो है धुंधली आने लग जाती है और जो इसकी बीप करने की आवाज़ है वो भी कम हो जाती है, तब आपने क्या करना है। तो ये सब बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और फुल्ली डिटेल में ये गाइस वीडियो है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इनटू इट। तो गाइस, फटाफट तो पहले मैं आपको मेथड का और उनकी नॉर्मल वैल्यू का बता देता हूँ। तो जो पहला मेथड है वो है ओरल टेम्परेचर, जिसे सबलिंगुअल टेम्परेचर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि थर्मामीटर को जीभ के नीचे लगाया जाता है, कब तक लगाना है, जब तक इसके अंदर से आवाज़ नहीं आती, बिप की आवाज़ आती है। इसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, तो गाइस जो सबलिंगुअल का नॉर्मल टेम्परेचर है वो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो जो दूसरा मेथड है वो है एक्जिला का, जिसे अंडर आर्म का टेम्परेचर भी बोलते हैं। इसमें भी थर्मामीटर को अंडर आर्म के नीचे लगाया जाता है, कितने टाइम तक लगाना है, जब तक इसके अंदर से आवाज़ नहीं आती। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी है, तो गाइस जब भी आप अंडर आर्म का टेम्परेचर लेंगे तब आपने उसमें एक प्लस करना है, मतलब कि ये ओरल टेम्परेचर से एक डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है, तो आपने हमेशा इसमें एक डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस करना है, क्योंकि हमारे जो शरीर का बॉडी टेम्परेचर है ना
वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो ओरल टेम्परेचर के इक्वल होता है, लेकिन जो अंडर आर्म का टेम्परेचर है वो नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है, इसलिए प्लस करना पड़ता है। ओके, तो आप जब भी अंडर आर्म से टेम्परेचर लेंगे, मतलब एक्जिला टेम्परेचर लेंगे, तो आपने उसमें 1 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस करना है। और गाइस जो तीसरा कॉमन मेथड है वो है रेक्टल से टेम्परेचर लेने का, जो कि खास तौर पर छोटे बच्चों में यूज़ किया जाता है या फिर एनिमल्स में यूज़ किया जाता है उनमें टेम्परेचर लेने के लिए। और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो ओरल टेम्परेचर से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा होती है, मतलब कि 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। तो आपने जब भी आप रेक्टल से टेम्परेचर लेंगे तब आपने 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम करना है। अब यहाँ पर गाइस ध्यान रखना कि एक्जिला में आपने 1 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस करना है और रेक्टल में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम करना है। तो गाइज़ ये तो बात थी इसके मेथड की और इनकी नॉर्मल वैल्यू की, लेकिन कई ऐसे फैक्टर भी हैं जो बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, जैसे अगर आप खाना खाते हैं या फिर आप एक्सरसाइज करते हैं या फिर आप स्ट्रेस में हैं या फिर आपको गुस्सा आया हुआ है या फिर आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तब भी आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो गाइस जो एवरेज रेंज है ना हमारे बॉडी के टेम्परेचर की, वो 97 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में होती है। अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में आता है, तब इस कंडीशन को आप बुखार आना नहीं बोलेंगे। हालांकि इससे ज़्यादा रीडिंग आती है थर्मामीटर में तब आपको बुखार आना बोल सकते हैं। और बच्चों में 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है। ओके गाइस, तो अगर आपको 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा टेम्परेचर है तब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, तब एग्जैक्ट आपको बोला जाएगा कि आपको फीवर आया हुआ है, ऐसे में आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। साथ ही अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम है तब आपको हाइपोथर्मिया होता है, ऐसे में भी आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो गाइज़ ये तो बात थी हमारे बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर की रेंज की। आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसका यूज़ आपने कैसे करना है। तो मैं दूसरा कैमरा यूज़ कर रहा हूँ और चलिए अब दूसरे कैमरे पर चलते हैं। तो गाइज़ ये देखिए, यहाँ पर आप थर्मामीटर को देख रहे हैं, ये जो बटन है ये ऑन ऑफ का बटन होता है। ओके, तो आपने हमेशा इसको ऐसे ऑन करना है एक बार दबा के। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सी आ रहा है। ओके, तो इसकी जो वैल्यू है इसको चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, ये बंद पड़ा है इसको आपने दबा के रखना है और यहाँ पर ये एफ आ गया। देखिए एफ का मतलब है फ़ारेनहाइट। अगर आपने इसको चेंज करना है सेल्सियस में तो आपने इसको एक बार बंद कर दीजिए, इसको दबा के रखिए और ये सेल्सियस हो गया। ओके गाइस, तो इसकी रीडिंग तो आपने ऐसे चेंज करनी है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में या फिर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में। ओके, अब इसको यूज़ कैसे करना है और कौन कौन सी कंडीशन आपने देखनी है, तो गाइस देखिए इसको आपने ऐसे चलाना है। फ़ारेनहाइट की मैं रीडिंग ले आता हूँ पहले। ओके, तो जो कि सामान्यतः हॉस्पिटल में और क्लिनिक में यूज़ करते हैं इसी रीडिंग से टेम्परेचर लेने के लिए। ओके, तो इसको मैं शुरू कर लेता हूँ और आपने ओरल टेम्परेचर लेना है तो जीभ के नीचे लगाना है। देखिए ऐसे, तो जब आप जीभ के नीचे लगाएंगे ना इसको तो थोड़े टाइम में ही रीडिंग आती है। देखिए अभी रीडिंग शुरू हो जाएगी आनी, ये देखिए फ़ारेनहाइट आ गया ना 90.4। और जीभ के नीचे का टेम्परेचर गाइस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो सबलिंगुअल टेम्परेचर होता है ओरल टेम्परेचर वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ओके, तो ये आपने टेम्परेचर ऐसे देखना है जीभ के नीचे लगाकर। और बच्चों के केस में आपने एक्जिला से हमेशा टेम्परेचर लेना है। अगर पेशेंट को सर्दी लग रही हो या फिर अगर पेशेंट जो है जिसको फीवर आया हुआ है वो अनकंफर्टेबल है, वो टेम्परेचर देने लायक नहीं है या फिर उसको किसी तरह का सीज़र आया हुआ है, जैसे फेब्राइल सीज़र आया हुआ है, तब आप उस समय टेम्परेचर ना लें। तो गाइस ये देखिए अभी बज चुकी है और जो टेम्परेचर है वो 91.0 डिग्री फ़ारेनहाइट आया है। तो ऐसे लेना है आपने टेम्परेचर, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट है ना गाइस, इतना
इसको धोने के लिए आप सिप्रिट का यूज़ कर सकते हैं, जो अल्कोहल होता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं डिप करके, या फिर आप स्टर्लियम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसको बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से उसको बाय कर लेना। स्टर्लियम काफ़ी अच्छा है और हॉस्पिटल में भी उसको यूज़ करते हैं। पहले स्टर्लियम से उसको डिसइंफेक्ट कर लेना इसको पूरा लगा कर, और फिर आप ठंडे पानी से इसको धो लेना, तो ये पूरा का पूरा जो बैक्टीरिया से फ्री हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इसको आपने ऐसे वॉश करना है, और टेम्परेचर लेने के बाद भी आपने जो अल्कोहल स्वैब है उससे इसको एक बार वाइप करना है, और उसके बाद कोल्ड पानी से इसको धो के, और फिर जो इसका बॉक्स आता है ना इसको आपने ऐसे रख देना है बंद करके। ओके गाइस, तो कई जो थर्मामीटर होते हैं वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं, लेकिन कईयों को यहाँ से बंद करना पड़ता है। वैसे तो सारे के सारे यहाँ से ही बंद हो जाते हैं, लेकिन कईयों को स्पेशल बंद करना पड़ता है। ठीक है गाइस, तो ये तो था कि आपने टेम्परेचर कैसे लेना है। आगे मैं आपको बताता हूँ कि कई बारी क्या होता है कि इसकी जो रीडिंग है ना ये डिम हो जाती है या फिर आवाज़ नहीं आती। ऐसे केस में क्या है कि ये देखिए अंदर इसके सेल होता है ये वाला, ठीक है, आपने इसके सेल को निकालना है। यहाँ पर आप कोई नीडल ले लें और इसको पुश कर लेना, और सेम सेल आप किसी भी दुकान से ले आएँ जो कि घड़ी की दुकान होती है, तो वहाँ से आपको इजीली मिल जाएगा। 20-40 रुपीस का आपको सेल मिल जाता है, तो ये आप उसके अंदर डाल लेना। ओके गाइस, कई बारी धोने पर इसके अंदर पानी चला जाता है, तब आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसको ऐसे खोलिए, इसको झटकाइए ऐसे, और जितना पानी आप निकाल सकते हैं निकाल लीजिए। फिर उसके बाद आपने इसको तेज धूप में रख देना है, उसके बाद ये फिर से दोबारा यूज़ करने लायक हो जाएगा। अगर आपने इसको यूज़ कर लिया और आपको काफ़ी महीने तक यूज़ नहीं करना, तब गाइज आप इसके सेल को निकाल दें ताकि इसके अंदर जंग ना लगे। इस पार्ट में ना जंग लग जाती है अगर सेल काफ़ी टाइम तक रहता है और टेम्परेचर आप लेते नहीं हैं, थर्मामीटर को आप यूज़ नहीं करते, तो सेल को निकाल लेना है, और फिर जो इसके पीछे का ढक्कन है इसको लगा के, और आप इसको डब्बी में ऐसे बंद कर दें, तो ये जल्दी से ख़राब नहीं होगा। तो गाइज ऐसे थर्मामीटर जो मैंने पर्सनली यूज़ करे हैं उनका जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइज, तो गाइज आज की वीडियो थी हमारी डिजिटल थर्मामीटर के ऊपर, और आई होप मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपके लिए यूज़फुल होगी। तो गाइज ऐसी ही यूज़फुल वीडियोज़ और टॉपिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही गाइज किसी बात को लेकर या किसी टॉपिक पर आप किसी भी तरह की कोई वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो गाइज मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट।